अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो मुबारक हो भाई, रेंगल 2.0 आ गया और वो वाकई बहुत प्यारी अपडेट आई है। उसकी वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह 2.0 की आएगी। दरअसल मैं चाह रहा था कि मैं गेम प्ले बना लूँ, लेकिन बन नहीं रहा था दरअसल ना, थोड़े से मसाइल पेश दरकार है हमको। तो हम आए थे बिल्कुल से पुराना गेम प्ले, थोड़ा सा ही मतलब 3-4 घंटे पुराना, नहीं अपडेट। तो हम लोग जैसे ही आए थे, जहाँ आपको पता है हम लोग आते हैं इस जगह, क्या नाम होता है, पुलिस डिपार्टमेंट, तो यहाँ एक और बंदा आया, लेकिन चलो गन नहीं थी तो निहत्ता हमको मारने आया। लेकिन निहत्ते को मारने का जो मज़ा है ना, चिकन डिनर का वो मज़ा नहीं है। मतलब ओपी, और इस गेम प्ले में मैं आपको सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ओपी कैंपिंग होती है वो कैसे करते हैं। ये देखो, दो दो निहत्ते देसी कट्टा लेके आ रहा था। P20 कोई नहीं, P19 की सगी बहन है। और ये एक और बंदा हफ्ते में, तो इनको मार दूंगा जिसने। तो कहते सर जी, आप इतने बड़े थोड़े हो, बाबा जी को कैसे मार दोगे आप। तो देखो भाई, आते ही 1 मिनट पूरा हुआ और मेरे कितने किल्स हो गए, 3 किल्स। तो हम जा रहे थे नीचे के, साउंड आ रहा था कि बंदा कहाँ है, बंदा कहाँ है, बंदा कहाँ। और ये बहुत साड़े चाले साहब, आप यहाँ किधर ऐसे कैसे आ गए, आप गलती से आ गए। देगा रात में थोड़े मसले आ जाएंगे मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसकी बहन को मार दिया। तो फिर इसकी बहन मुझे बोलेगी कि मेरे भाई को तुम मार। खैर खैर है, मैं यहाँ पे ये बंदा एक बॉट को मार के मतलब भाई साहब टाइगर बन के आ रहे थे कि देखो मैं क्या करता हूँ उनके साथ। लेकिन सर ऐसे कैसे, आप जन्नत दोजख में आपके लिए जगह हमने रखवा दी रिजर्व पे, आप वहाँ जाइए। और वाकई इसका नाम मुझे बड़ा प्यारा आया। अच्छा, मैं बंदों की स्किल देता, उनका नाम देखता हूँ। तो एक बंदा ऐसा था जो मुझे बड़ा बड़ा तंग कर रहा था। तो जब भी कोई बंदा तंग ज़्यादा करता है ना, तो मैं वहाँ जा एग्ज़िट पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ, फिर वहाँ उनका इंतज़ार करता हूँ। जैसे कि ये बंदा आया, जबकि इसने रोटेट भी अच्छा किया था, वरना जहाँ मैं बैठा था लाइन वही बनती है, लेकिन इसने रोटेट भी अच्छा किया। लेकिन सर फिर जब इसने हमारा जादू देखा, और सर अब आप देखिएगा इसको मैंने कितना खुश कर दिया। मतलब दूसरा मैगजीन आया, चलो 1.5 मैगजीन आया बस, तीसरा मैगजीन है। और ये सर मतलब 2 मैगजीन आया करती है, मतलब 1 इंच दूर, सिर्फ दरख्त से 1 इंच दूर था ये, और इसको मार दिया सर। मतलब बद्दुआएं दी होंगी इसने प्रॉपर तरीके से ना, मुसल्ले पे बैठ के हाथ फैला के बद्दुआएं दी होंगी मेरे को। पर सर रूल इज़ रूल, आपको मार रहा था हमने मार दिया। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 बंदे रह गए हैं, 6 किल्स हैं, 5 बंदे रह गए हैं। घर में खड़ा हूँ जोन के बीच में, जस्ट ऊपर जा रहा हूँ कि बंदे मिल जाएं, चारों तरफ से बंदे देखते हुए, क्योंकि 6 जोन है, तो सभी 6-5 बंदे तो सभी के सब कैंप कर रहे होंगे, जाहिर बात है सोलो भी सोलो है। तो आराम से देखते हुए मौके की जो तो नज़ाकत है उसको परख के, हम चौकन चान हो के देखते हुए जा रहे हैं सलीस उड़ती थोड़ी सी। और साउंड अभी तक एक बार भी नहीं आया, आप 10 सेकेंड पीछे जाके देखो, साउंड नहीं आया है। और सर इस कैंपिंग के लिए तालियां, अल्लाह करे तू सारी उम्र चिकन के लिए तरसता रहे, तेरे गर्मी में चिकन ना मिले। जब तू मर रहा हो तेरी डेथ विश भी यही हो कि मुझे चिकन चिकन चाहिए, लेकिन जब भी तुझे चिकन ना मिले, ये मेरी बद्दुआ है बेटा, ये मेरी बद्दुआ है, जिस बेदर्दी से तूने मुझे मारा है ना, ये मेरी बद्दुआ है, और अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। तो हम दोबारा वहीं पे आ गए थे बीट बंदे, चूँकि एक गेम प्ले से काम बनेगा नहीं, और पहले हम जल्दी मर गए थे, तो इसलिए दूसरा गेम प्ले आपके लिए। और यार तुम लोग अगर चाहो तो एक है रिहानी, पबजी PC खेलता है, लेकिन भाई साहब OP खेलता है। मैं अभी अभी उसकी ही स्ट्रीम देख के आ रहा हूँ, तो इसी भाई का एक मशवरा है कि उसकी प्लीज़ स्ट्रीम देखा करो, बहुत ओपी लड़का खेलता है, मतलब ख़तरनाक उलाला वाला ऐसे खेलता है वो। मैं ये क्रेट पे बंदा तो मरा हुआ था, लेकिन बंदा नहीं दिखा, क्रेट ही दिखा। और क्रेट जिसने मारा ना, मुझे वो दिखा, और ना मैंने किल फिल ना गौर किया। तो मेरा साला आते हुए, अरे भाई तू पहले क्यों आ रहा है, फिर वॉच को नहीं जो फिर मैं क्या करूँगा, अरे भाई वॉच को नहीं, चलो लॉल कोई मसला ही नहीं है। फुल कैंपिंग करते हुए सामने एक यूट्यूबर है, प्रॉपर तरीके से बॉट और प्लेयर्स को मारते हुए आ रहा है, और इसको नहीं पता कि जब थ्रोन गेमिंग YT साहब को पंगा पड़ेगा तब तख्ता पलट जाएगा। दरवाजे की आवाज़ खुल के वो फ़ौरन आ गया कि बंदा यहीं पे है, लेकिन उसने ये समझा कि बंदा नीचे है। पर भाई साहब आप गलत सोच रहे हैं जनाब, बंदा कैसे नीचे है, बंदा ऊपर है और आपका वेट कर रहा है। निकू 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 निकू, वो कितना बड़ा नाम है तेरा, निकू बेगैरत आदमी निकू। ये लैग हुआ था, मैं जब जब ऐसे हो गया था। एक और बंदा आते हुए हमारी जानिब, लेकिन फिर जा रहा है पीठ से, पीठ पीठ नहीं दिखानी थ्रोन को पीठ, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि जब कोई मुझे कमर दिखाएगा तो मैं छोड़ दूँगा, मैं इतना शरीर बिल्कुल नहीं हूँ।
तो यहाँ से एम हमने अपना ख़ानदानी लोड आउट उठा लिया, एम के फोर एम के ए के एम और एम फोर, तो हम जा रहे थे सीधा अपनी मंजिल की तरफ जोन में, और बॉट म्यूटेंट से शॉट देते हुए। और कमाल की बात यह कि उसने खुद शॉट जीते थे, मतलब ये ऐसी रैंडम स्प्रे चेक करके 6x म्यूटेंट पे लगा के चेक कर रहा था कि स्प्रे कैसा है, लेकिन क्योंकि जब मैंने उसको मारा तो मुझे आगे पीछे कहीं भी कोई बंदा नज़र ही नहीं आया, तो समझ में नहीं आया कि मार किस रहा था। अब बंदा इस शेक के अंदर है, नीड्स हो चुके हैं मेरे सारे के सारे ख़त्म, स्मोक ही हैं वो भी दो हैं एक है, मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। जैसी ही पिन की आवाज़ है तो हम सोचते हैं अंदर, लेकिन कितना नेट किया था इसने। अगर आपने डायनोमो की नेट वाली वीडियो देखी है तो आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मुझे वैसे ही मारना चाहता था। ऐसे कैसे, योर फादर इज हियर, ऐसे कैसे मार देंगे आप। फिर हमने इनको मारा, हील विल की, और यहाँ पे जैसे एक क्लच था स्टार अनोनिमस का इस हील पे ब्रिज पे, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना ऐसे करा था, ये बंदे सामने ही है। मैं उतरा और बंदे ने घास के अंदर से क्या ही गोलियों से पेला है हमको भाई, खतरनाक। तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, और हमारे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं तो कर दे रहा हूँ, देखो 200। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 रैंगल की, और ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।